एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक हल्दौर में स्थित गंगीड़ा जट गांव पड़ा। लगभग 7200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव की प्रधान नुजहत जैदी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 2600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर दिखाई दिया। वहीं बात शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 278 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में प्रधान द्वारा सीसी टाइल्स रोड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 48 हैंडपंप, वहीं विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 70 विद्युत पोल व 2 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। साथ ही साथ पथ प्रकाशन के लिए सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, पानी की टंकी, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, बारात घर तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। पंचायत घूमजट का प्रधान पति मेरे नाम नजाकत हुसैन और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से अपील है कि मेरे गांव का विकास ठीक होना चाहिए। ना हमारे गांव में स्कूल है, लगभग 1700 वोट है हमारे मिलक में, इसमें घोड़े जट के मजरा कहते हैं इसे, मिलक घोड़ा जट, इसमें 1700 वोट है। इसमें कोई ना तो प्राइमरी स्कूल है, ना कोई आंगनबाड़ी केंद्र है, ना पंचायत घर है। बच्चे बहुत परेशान हैं, दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। आपसे प्रधानमंत्री जी से मेन रोड के लिए भी, गांव में हमारे खड़ौंजा है टूटा फूटा हो रहा है जहाँ से, तो हम ये चाहते हैं हमारा 600-700 मीटर का है ये प्रधानमंत्री योजना से बच जाए तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो स्कूल का ये है, बच्चे बहुत परेशान हैं। दूसरा फिर हमारे गांव का पानी खराब है, इसमें कुछ इसमें टंकी की व्यवस्था हो जाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। योगी जी से भी हमारा कहना है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा विकास हो जाए, हम आपके आभार रहेंगे। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई। मोड़ा का एक साधारण सा व्यक्ति हूं और आपसे मैं प्रधानमंत्री जी से और योगी जी से अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारा गाँव में काफ़ी बड़ा गाँव है, लिहाजा इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो कि गरीब तबका इसको हासिल कर सके। कहने को तो हम टीवी भी देखते हैं, उस पर बहुत से हमारी ग्रामीण विकास के लिए बातें की जाती हैं, समाचारों में आता है, लेकिन हमारे यहाँ तक कोई अभी सुविधा ऐसी नहीं पहुँच पाई है जिससे ग्रामवासियों को कुछ सुविधा हो या उन लोग आराम से मिल सके।